हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज है संडे एंड आज मैं आया जू। तो अभी टिकट काटना पड़ेगा वहाँ पर एंड उसके बाद अंदर जाएंगे। तो यहाँ पर जेनेरिक कार पार्क किए जाते हैं इस जगह पर एंड उधर वहाँ पर टिकट काटना पड़ेगा। तो हमने टिकट काट ली एंड नाउ लेट्स गो इनसाइड। तो हम पीछे इस म्यूजियम पे जाके आए। यहाँ पर बेसिकली टाइगर्स के स्किन वगैरह, राइनोस के राइनो वगैरह के बोन्स, स्कल, ये सब है। म्यूजियम है बेसिकली ये। अभी हम दूसरे जगह पर जाएंगे देखने के लिए। तो वहाँ पर एक पार्क भी है एंड यहाँ पे कुछ भी नहीं है हमने देखा। तो यहाँ पर टॉर्टोइस है, ये छोटे छोटे टॉर्टोइस। तो यहाँ पर बहुत सारे बंदर है और एक छोटा सा ब्लैक कलर का, एंड ये रहा एक जिराफ, बेचारा अकेले है, कोई भी दोस्त नहीं इसका। तो हमें हॉर्नबिल, लायन, टाइगर इस तरफ जाने से देखने को मिलेगा एंड ये सब इस तरफ जाने से देखने को मिलेगा, लेकिन हम जाएंगे इस तरफ। ये कैसे मजाक है भाई, हर जगह नो एंट्री, फिर टिकट काटने का क्या फ़ायदा। तो हम यहाँ पर आ गए एंड यहाँ पर बर्ड्स है, हॉर्नबिल है, ये रहा हॉर्नबिल एंड ये भी एक बर्ड है। द ग्रेट ईगल बाबा, ये बेचारा बहुत दुख में है, शायद इसका ब्रेकअप हो गया, वो शायद उसका गर्लफ्रेंड है। So here we are, here are some goats, they are really really cool. अरे भाई ये क्या है, बाहर निकल आया ये, या फिर बाहर ही रहता है शायद। एंड अंदर ओ दो रहा goats, शायद बकरियाँ, और रहा ऊपर एंड और रहा एक नीचे, और पास आ रहा है ये, कम क्लोज बेबी। वो बहुत खूबसूरत है ये जानवर, लेकिन पता नहीं क्या है। अरे यार ये तो बहुत पास आ गया, हेलो। तो अभी हम इस तरफ ऊपर जा रहे हैं और ऊपर। यहाँ पर दो रास्ते, ये एक एंड ये एक, हम जाएंगे। ये बंद है, ये बंद है, टिकट का पैसा पानी में गया। तो हमको इस तरफ ही जाना पड़ेगा। यहाँ पर फिर से मैप दिया हुआ है एंड यहाँ पर हमें मिलेगा ब्लैक पैंथर, टाइगर, ब्लैक पैंथर, वकांडा फॉरएवर। यहाँ पर गिबन भी मिलेगा, जिराफ, हॉर्नबिल, ये सब। तो बहुत सारे पिंजरा ऐसे खाली है यहाँ पर, जैसे कि ये, तो पर कुछ भी नहीं है एंड इस पिंजरे पर भी कुछ भी नहीं है, बिल्कुल खाली है। वहाँ पर कुछ है, हाँ वहाँ पर एक ऊपर शेर का बच्चा मिला, ये शेर का बच्चा नहीं है, नहीं ये बिल्ली है, वाइल्ड कैट, तो इसको जंगल कैट बोला जाता है। तो फिलहाल ये जंगल कैट मॉर्निंग वॉक कर रहा है, एक बार इस तरफ, एक बार उस तरफ, अरे एक बार इस तरफ फिर से। लगे रहो भाई, लगे रहो। तो हमें ब्लैक पैंथर अब तक नहीं मिला, लेकिन मुझे देखना है ब्लैक पैंथर, वकांडा फॉरएवर। तो इस तरफ भी नो एंट्री दिया गया है। तो भाई बोलो एंट्री कहाँ पर है, इस तरफ भी नो एंट्री, हर जगह नो एंट्री। तो हम अभी देखने जा रहे हैं कॉमन लियोपर्ड। ऊपर जाना पड़ेगा लियोपर्ड देखने के लिए। तो रहा ऊपर लियोपर्ड, आराम से सो रहा है। तो ये वाला तो बहुत पास ही है, लेकिन नेट की वजह से अच्छी तरह से दिखाई नहीं दे रहा। तो फाइनली ब्लैक पैंथर मिला, शायद यहाँ पर होगा, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा। तो यहाँ पर बहुत भयानक बदबू भी आ रहा है, पता नहीं किसका, लेकिन बहुत ही भयानक। तो अंदर अच्छी तरह से ब्लैक पैंथर तो दिखा नहीं, लेकिन और डायलॉग बोलना चाहूँगा मैं, वकांडा फॉरएवर। तो ब्लैक पैंथर को टाटा बाय बाय के आ गया, अभी नीचे जा रहा हूँ, पता नहीं आगे क्या देखने को मिलेगा, लेकिन होप कर रहे हैं कि बंगाल टाइगर, लायन, ये सब होगा नीचे। तो इस पेड़ के ऊपर बंदर भी है, यहाँ पर बंदर ही एकमात्र ऐसे प्राणी है, बंदर और इंसान जो आवाज़ कर रहे हैं
बाकी जानवर तो वैसे इतना दुखी है दिखने में, ऐसा लगता है कि सब कुछ खो दिया उन लोगों ने, बहुत दुखी है बाकी जानवर, बस ये बंदर ही शोर मचा रहे हैं और हम इंसान। इस पिंजरे के अंदर भी कुछ है लेकिन क्या है कुछ भी पता नहीं चल रहा, कुछ छोटा सा जानवर है एक उड़ रहा हो जानवर लेकिन पता नहीं चल रहा क्या है, साइन बोर्ड भी नहीं है यहाँ पर। इस पिंजरे के अंदर वल्चर और हिमालयन ग्रिफिन है, उड़ रहा हो ईगल और सॉरी ईगल तो नहीं वल्चर। ओ दे आर रियली ब्यूटीफुल, ये पास आ रहा है दोनों। तो अभी इन फलचर ने हमें काफ़ी एंटरटेन किया यहाँ पर, ऐसे उड़ उड़ के ऐसे यहाँ पर बहुत मज़ा तो आ रहा है, लेकिन आई थिंक इस जू को अपग्रेड करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ वहाँ देख रहे बहुत गंदगी है एंड एनिमल्स भी नहीं है, बहुत से जगह पर नो एंट्री लिखा हुआ है, तो आई थिंक इन सब चीज़ों को अपग्रेड करना अभी बहुत ज़रूरी है। Hakuna Matata. तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा राइनो है लेकिन बहुत भीड़ भी है यहाँ पर, क्लोज व्यू नहीं मिल रहा, बहुत पास है ये राइनो, ये रहा लेकिन इसका हॉर्न कहाँ पर है, एक भी हॉर्न नहीं है, जीरो हॉर्न राइनो। तो यहाँ पर हमें शेर देखने को मिला लेकिन ये भी उल्टा करके सो रहा है, मुंह उल्टा करके सो रहा है। व्हाइट टाइगर, वो अंदर एक व्हाइट टाइगर भी है लेकिन बहुत दूर एंड ओढ़ा व्हाइट टाइगर, व्हाइट टाइगर टाइगर नहीं वो व्हाइट टाइगर। तो इस इलाके पर काफ़ी सारे हिरन हैं, बहुत सारे बहुत सारा, यहाँ से लेकर ऐसे 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 करके वो वहाँ पर दूर तक है बहुत सारे हिरन। तो यहाँ का वातावरण काफ़ी अच्छा है, जगह जगह पर पेड़ पौधे हैं लेकिन कुछ कुछ जगह पर साफ सफाई करना बहुत ज़रूरी है। तो हम अभी देखने जा रहे हैं हाइना, तो आई डोंट नो हाइना और जैकल अलग अलग है या सेम, लेकिन यहाँ पर साइन बोर्ड है कि यहाँ पर जैकल है, तो दूर पर है ये रहा जैकल्स। ये भी एक पीछे पिंजरा था, ये भी खाली है, जानवर ही नहीं है यहाँ पर ज़्यादा। तो यहाँ पर है टॉर्टोइस और घड़ियाल, ये रहा वो घड़ियाल लेकिन टॉर्टोइस पता नहीं कहाँ पर है। तो अब हम जा रहे हैं यहाँ पर रेप्टाइल्स देखने, तो यहाँ पर बहुत भीड़ है, लोगों को सांप देखने का इतना शौक है तो किसी तरह देखकर आए हम। तो ये रहे लोहे की पर्दे, जेट प्लस सिक्योरिटी। तो यहाँ पर बेसिकली हम लोगों को पंछी देखने को मिलेगा, बहुत सारे पंछी है यहाँ पर। तो फिर से हमें ये जेट प्लस सिक्योरिटी मिल गया, ओह वैसे पंछियों के लिए दिया गया है क्योंकि पंछी ये सब क्रॉस नहीं कर पाएंगे कभी भी। तो हमारा घूमना फिरना हो चुका इतना शोर, लास्ट बाकी है हम इस पार्क पर घूमेंगे थोड़ा, चिल्ड्रन पार्क है यहाँ पर, ये रहा पार्क। तो हम बाहर आ गए पार्क से, तो अभी घर जाएंगे। तो ये वीडियो मैं ही ख़त्म करता हूँ, अगर आप लोगों को वीडियो देख के अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कर देना, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एनी एस अच्छा लगा घूम के, बहुत अच्छा लगा, बट कुछ जानवर ऐसा मन में था कि ये देखने को मिलेंगे लेकिन नहीं देखने को मिला, बट जो भी था जितना भी था अच्छा था। बाय बाय।